जय श्री राम का लिखा है। मैडम पहले आप चक्कर ले लो फिर खरीदना। कब नहीं होती कंफ्यूज तो ठीक है ठीक है देख तो ले सलमान खान। हेलो एवरीवन कैसे हो आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस अभी नहा के मैं रेडी हो चुकी हूँ, घर का सारा काम हो चुका है और आज है शनिवार और कपड़े भी धुलते हैं शनिवार के दिन क्योंकि संडे कोमल आती नहीं है और आज जाना है मंदिर भी। तो गाइस पर उससे पहले ना मुझे एक काम मतलब काम काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि वाला काम करवा लेती हूँ क्योंकि आगे मुझे दिक्कत होगी इसमें मतलब आधार कार्ड को लेकर ही है। तो उसका जो एड्रेस है ना वो एक्चुअली क्या है ना मैं रेंट पर रहती हूँ तो रेंट पे कभी कभार क्या होता है ना कुछ चीज़ जैसे मकान खाली कर दिया तो फिर मुझे दिक्कत होती है उसका एड्रेस चेंज करवाने में बार बार। ये मेरे संग दो बार हो चुका है ये वाला प्रॉब्लम कि जिस मकान का मैंने एड्रेस अपडेट करवाया है या तो मुझे उसको जैसे ही अपडेट करवाती हूँ 3-4 महीने बाद मुझे मैं उसको खाली करने का मतलब कि हो जाता है तो सेल हो जाता है हम अपने पर्सनल रीजन की वजह से उसको खाली कर देते हैं। तो क्या इस वाले मकान में भी आ गए तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि अब मैं किसी भी मकान का एड्रेस नहीं डलवाऊंगी। तो मम्मी पापा मुझे कई बार बोल चुके हैं कि तू इधर का एड्रेस करवा ले क्योंकि कभी कोई चीज़ आती है कोई डॉक्यूमेंट आता है क्योंकि मेरे बैंक से भी कई बार हुआ है प्रॉब्लम। एक बार मकान होता है तो वहाँ पे थोड़ा सा हर चीज़ में थोड़ी आसानी हो जाती है काम करने में। आधार कार्ड का एड्रेस को उसको चेंज करवाऊंगी तो उसमें भी टाइम लगेगा 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे ना मतलब कि उसको होने में। और अभी पूछती भी जाऊँगी कि वो मुझे अभी होगा या मंडे होगा क्योंकि सैटरडे है आज पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। तो और उसके बाद ना गाइस मैं सीधे ना आर्य समाज मार्केट चली जाऊंगी तो मैंने आपको कल भी नहीं जा पाई थी तो मैंने कहा आज चली जाती हूँ तो कुछ जो लेना है वो ले लूँगी। और मोना दीदी मुझे वहीं पर 2:30 बजे मिल जाएगी ना। मेन काम मेरा आधार कार्ड है तो वो मैं करवा लेती हूँ और बस निकल रही हूँ। गाइस आधार वाला काम हो चुका है और मतलब कि 6-7 दिन तो लग ही जाएंगे अपडेट होने में मतलब कि नया नंबर चेंज करवाने में सॉरी एड्रेस चेंज करवाने में। नंबर तो मेरा अपडेट हुआ भाई है। बस अब मोना दीदी बेचारी पहुँच चुकी है और मुझे रिक्शा नहीं मिल रही है। एक रिक्शा में बैठी भी तो पर वो कह रहा है मैं यहीं तक छोड़ूंगा इतनी दूर तो मैं पैदल चल के आ गई हूँ और पैदल जा रही हूँ और अब चिल्लाएंगी मेरे पे कि तू इतनी लेट हो गई क्योंकि वहाँ पर टाइम लग गया था मुझे सारा फोटोकॉपी वगैरह करवा के देने में। तो बस निकल के रही हूँ चल रही हूँ पैदल गर्मी के अंदर। शुक्र है भगवान का कि धूप नहीं है। तो वैसे यहाँ पे आ गई थी मैं तो देखो पसीने देखो आप देख पा रहे हो तो इतने पसीने आ रहे हैं और इतनी दूर तक पैदल चल कर आई हूँ। वो काम मैंने आधार कार्ड वाला काम हो चुका है और बिल्कुल हम दोनों ना रोड के बिल्कुल ही पास बैठे हैं आप दिखा पा रहे तो बिल्कुल रोड के पास बैठे हैं। तो वैसे ब्रेड पकौड़ा वगैरह सोचा था पर मैंने कहा तला भुना नहीं खाऊंगी तो मैंने डोसा ले लेते खा लेती हूँ तो सुबह का ब्रेकफास्ट ही कर रखा है मैंने लंच किया नहीं था तो खा के फिर मार्केट में जाऊंगी पता लगे चक्कर आने लग गए क्योंकि मेरे संग कई बार हो चुका है खाली पेट जाती हूँ ना तो कुछ ना कुछ फोन लग जाता है। बस यहाँ से करा के जल्दी करूँगी क्योंकि आज मुझे घर जाना है क्योंकि खाना बनाना है और मंदिर भी जाना है। शनिवार के दिन में रियर होता है मतलब पहली बार निकली होगी शनिवार के दिन तो है ना शनिवार के दिन पहली बार होगा जब मार्केट के लिए आई हूँ मैं तो बस पहले हम कुछ मंगा लेते फिर खाते हमारा डोसा ये लाइट आ जाए तब मजा आएगा खाने में। बेकार है सांभर अच्छा है गर्मी में ये सब चीजें बेकार लगती हैं पर क्या करूं भूख। तो गाइस डोसा खा लिया दीदी अभी पेमेंट करने गई है और हम इसके बाद जाएंगे मार्केट के अंदर और आज मैं बोल रही हूँ कह रही नहीं मैं करती हूँ पेटीएम से पेमेंट करने का। यहाँ पे गई भी है लाइट और हमने डोसा देखो कैसे कंप्लीट करा है और अब जाएंगे हम दोनों बाजार। तो गाइस मार्केट में एंटर हो चुके हैं और ले लो तो जिस काम के लिए आए पहले आज हम वही सिर्फ मेन काम करेंगे कोई फालतू का घूमना नहीं कोई फालतू की चीज़ें नहीं क्योंकि नहीं दीदी गर्मी भी हो रही है देखो कितना प्यारा कोट सेट है। कोट सेट लेने की जब भी सोचती हूँ ना राज यही बोलता है कि ना बिल्कुल वो नाइट सूट की तरह लगते हैं। बार बार मेरा मन रह जाता है कोट सेट लेने के लिए क्योंकि जब वो बोल देता है ना दिमाग में मेरे बैठ जाती है बात कि नाइट सूट की तरह लगेंगे तो इसलिए मैं कोट सेट पे नहीं लेती हूँ कोट सेट वरना मेरा बहुत मन था क्योंकि जैसे जीन्स वगैरह के अलावा ना गर्मी में ऐसे में अब जैसे मार्केट निकले हैं मम्मी घर जा रहे तो ये वो अच्छे लगते हैं हल्के कपड़े पर राज ने मना कर दिया था मत लियो। मगा
ज्यादा रही मैं 200 रुपए। पता है ना त्योहार है तो ₹300। जैगिंग चिपक चिपक, एक तो इसका घुमस और इसका चिपक चिपक, ये दो वर्ड इसके तकिया कलाम है। गर्मी लगती है मुझे, वरना मैं तो सब कुछ अगर गर्मी मेरा साथ दे दे ना, ये सारे पहन ले, मैं सारे पहन लूं। कौन सा पहन रही हूँ, उसका क्या अच्छा लगे वो देखना। ब्लैक सूट पहन रही हूँ, डिसाइड हो गया है। क्या है? अच्छा, जय श्री राम का लिखा है। 250-300 वाली दिखाओ मैडम को। ये कितनी है, कितनी है, देख देख के थक जाएगी। भगवान का नहीं बनाना चाहिए, कल को गिर गिर जाए कि जमीन पे पड़ा रहे। मैडम पहले आप चक्कर ले लो फिर खरीदना, कब नहीं होती कंफ्यूज। तो कितने कितने की है, कितने कितने की है, कितने कितने की है भैया, कितने कितने की है? ओके भैया, तू हंस क्यों रही है भाई, देख तो ले सलमान खान। मेरे भाई ने पहना हुआ चांदी का, ले ले खुश हो जाएगा। ये वाली बॉटल का साइज बढ़िया। तो गए जब जितना लेना था सामान ले लिया, राखियां भी ले लिया मैंने हाथ के हाथ, और अब मैं जा रही हूँ घर की तरफ। गाइस घर पे आ चुकी हूँ, और ना मेरे को आते हुए लहसुन मार्केट में लहसुन भी लेना था, क्योंकि जो मैंने लहसुन छील के पेस्ट बना लिया था ना, तो पर आज दाल में तड़का के लिए साबुत लहसुन चाहिए था जो काट के डालते हैं, और ये हरा धनिया राखियाँ भी लेकर आई हूँ, क्योंकि वैसे तो मेरा एक भाई है बट बुआ का लड़का भी आता है, और पता नहीं इस बार पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। और इसके लिए तो मैं ना पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी, मुझे ना वेगा का मिल नहीं रहा था। तो ये फूड स्क्रबर है, मैंने अभी लोकल वगैरह यूज़ करी थी, पर ये वेगा का बहुत अच्छा है। मैंने इससे पता है एड़ियाँ वगैरह नहीं फटती है, मतलब कि जो स्क्रबर है बहुत अच्छा स्क्रबर है, तो मैं इसको यूज़ करती थी, मेरा टूट गया था। और मैंने ना ये मॉल तक में ढूंढा था, मुझे इस टाइप का नहीं मिल रहा था, मिल तो बहुत सारे टाइप के रहते पर इस टाइप का नहीं मिल रहा था। इसमें एक 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 जगह थोड़ी बड़ी होती है, मतलब हार्ड होती है, सॉफ्ट होती है। तो ये भी हाथ के हाथ लेकर आ गई, और दो राखियाँ ली हैं मैंने,
और एक दीदी ने मुझे अपनी बड़ी वाली बहन ने एक पर्स लाने को बोला था उनके लिए, क्योंकि वो उन्होंने उनको लगा कि भाई मेरी चॉइस थोड़ी अच्छी, तो दीदी के लिए एक बड़ा पर्स लेकर आई हूँ। और बाकी अभी दाल चढ़ा देती हूँ, तो बना रही हूँ दाल, जो उस दिन दाल बनाई थी तो मैंने मसूर की और मिक्स कर ली थी, वही दादी ने आज बोली कि आज वही दाल बना लियो, और सामान लेकर आ गई हूँ मैं। पर अभी मंदिर जो मैंने सूट पहना था ना वो मुझे बहुत टाइट हो रहा था पूरे रास्ते मेरे, ना ये बाजू वगैरह मैंने बताया ना आपको मोटी हो रही है, हल्की सी मोटे जाओ ना कपड़े टाइट होने लग जाते हैं, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है, मैंने उतार दिया आके। पर्स के लिए बोला था वो भी लेना था, राखियाँ भी लेनी थी, अब नहीं जाऊंगी मार्केट, अब बुधवार की राखी है तो मेरा जाना भी नहीं होगा। और आज मोनादीत ने भी बेटी के लेना था, वो भी उनको पसंद नहीं आ रहा था, तो गाइस बस लास्ट टाइम मैंने दाल चावल वो जो दिखाई थी ना प्लेट में, तो उन्होंने मुझे बोला कि वही वाली दाल बना, आज आ चुके बैठे हुए, और आज का ब्लॉग यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।